तो छोटे छोटे खुशियां ना बहुत कुछ दे जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सब सुबह सुबह माँ काली का दर्शन कर लो। और आज है 14 मार्च और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए और हमारे साथ जुड़िए। तो दोस्तों, अभी हम लोग मंदिर से निकल के मछली बाजार आ गए हैं और अभी अच्छी वाली एक फ़िश लेंगे, मेरे हस्बैंड की मनपसंद। हम लोग इलिश माछ ले रहे हैं। तो बाज़ार से आके हम लोग आए हैं कंप्लेंट डालने, क्योंकि हमारे रूम में ना पानी गिर रहा है, क्योंकि हमारे रूम के ऊपर जो एक रूम है उससे पानी गिर रहा है, उस वाला रूम में ना पानी का नल खुल गया है, तो इसके वजह से मैं लोग देख ही सकते हो ऊपर से पानी गिर रहा है ऐसे। मैं खाना भी ठीक से बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि ऊपर से पानी गिर रहा है। मार्केट से थोड़ा जितना भी सामान है थोड़ा बहुत लेके आई हूँ, और अभी तो फिलहाल देख ही सकती हो घर पूरा बिखरा पड़ा है। मैं कुछ भी नहीं किया अभी तक, अभी थोड़ा डेकोरेशन करूँगी। और डेकोरेशन के लिए मतलब मेरे रूम में एक ही टेबल है और उसमें बहुत सारा सामान है, देख ही सकते हो, वो तो हटा नहीं सकते। और तो मैंने क्या किया है, तो मैंने ना वो मेरा उसमें टीवी रहता है तो वही वाला मैं बहुत संभाल के रख दिया था, तो इसको मैं अभी टेबल की तरह बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास छोटा टेबल नहीं है केक करने के लिए, जो जगह तो होना चाहिए ना, तो उसके लिए मैं ये टीवी का जो है ये इसको मैं टेबल की तरह बनाऊंगी। और इसके नीचे थोड़ा ये तो बहुत मतलब डाउन हो जाएगा ना, तो इसलिए इसके नीचे मैंने दिया है एक पिलो। पिलो को मैंने ऐसे दो दो करके पिलो के इधर रखा है और इसके ऊपर मैं ऐसे टेबल बना दूँगी। तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ। और ऑनलाइन से मैंने ये कैंडल ऑर्डर किया था जो मेरा डेकोरेशन में बहुत काम आएगा, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं पहले से ही ऑर्डर कर। चुकी हूँ, आप देख ही सकते हो पूरा सज धज के पूरा रेडी हो चुकी हूँ। और आज मैंने पहना है एक ग्रीन कलर का साड़ी। वैसे मैं नहीं पहनती घर में, जब जाती हूँ पूजा वगैरह होता है तो तब भी पहनती हूँ, बाकी मुझे साड़ी पसंद है, लेकिन बाहर ना साड़ी मतलब पहन के काम करना, ये मतलब बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैं साड़ी ज़्यादा नहीं पहनती। कोई ओकेशन हो तो अच्छा, जब पूजा वगैरह हो तो अच्छा लगता है कभी कभी, तो पहन लेती हूँ। तो आप लोगों को बोला था कि मेरा एक कुरियर आने वाला था जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी साड़ी का, तो यही वाला साड़ी है जो अभी मैं पहनी हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, और एक बात कि मेरे बिल्डिंग के नीचे और एक बर्थडे पार्टी हो रहा है, मतलब बहुत सुंदर से कर रहे हैं डेकोरेशन वगैरह करके, लेकिन हम लोग इतना नहीं कर पाए क्योंकि अकेला कितना कुछ करूँगी बताओ, और नहीं होता ज़्यादा, जितना कर सकती थी उतना ही किया है। आई होप कि उसको पसंद आएगा। और मेरे हस्बैंड ना वैसा नहीं है कि वो थोड़ा भी बहुत कुछ कर लो तो वो बोलेंगे वाओ ब्यूटीफुल क्या सुंदर बनाए, ऐसा नहीं है वो एकदम सिंपल सा है, कुछ भी अपने के लिए नहीं करता है। और मैंने प्लान किया था कि बाहर जाऊंगी घूमने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि छुट्टी नहीं मिला है, कुछ छुट्टी लेने का टाइम होता है तो तब नहीं मिलता है।
और वैसे मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताइएगा जरूर। तो ये वाला इयररिंग मुझे मेरा मासी ने दिया था, तो पहनती नहीं हूँ आज मैं, मुझे लग रहा था कि साड़ी के साथ मैच होगा नहीं तो मैं पहन लिया, ऐसा लग रहा है। तो छोटे छोटे खुशियाँ ना बहुत कुछ दे जाता है, और हमारा लगा ही रहता है घूमना फिरना ये सब लगा ही रहता है। तो घर में फ़ोन करूँगी, तो बहन लोग है भाई है तो वीडियो कॉल करूँगी सबको, फिर केक कटिंग होगा। तो ओके, अभी मैं आप लोगों को डेकोरेशन वगैरह नहीं दिखाऊंगी क्योंकि हस्बैंड को आने दो, हस्बैंड आएगा तो फिर हम लोग केक कटिंग करेंगे, तो इस टाइम मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा दूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ फिर से, अच्छा नहीं लग रहा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear teacher, happy birthday to you, 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 happy birthday to you. गाइस ये है आप लोगों के लिए, आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए क्योंकि मेरा हस्बैंड का आज बर्थडे है, तो बहुत अच्छे से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो आप लोग नहीं खाएंगे तो मैं हस्बैंड को खिला देती हूँ। तो बस, तो बर्थडे हो चुका है, अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो आप आज ए माँ सब बंदी में जाए तो तुम्ही बोलो। तो आज की वीडियो वही तक था, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और अगर मेरे वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।